वैलेंटाइन डे वीक दुनिया का सबसे रोमांटिक सप्ताह माना जाता है। वैलेंटाइन डे हर साल 14 फरवरी को मनाया जाता है। ये प्यार करने वालों के लिए बहुत ही खास होता है, लेकिन वैलेंटाइन डे से पहले भी कुछ रोमांटिक डे मनाए जाते हैं, जैसे रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, प्रॉमिस डे, हग डे, किस डे, और इन सब के बाद आता है वैलेंटाइन डे। आज हम आपको प्रपोज डे के बारे में बताऊंगी, आगे प्रपोज डे क्यों मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे का दूसरा दिन प्रपोज डे होता है। यह दिन हर साल 8 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन आप अपने चाहने वालों को अपने प्यार का इजहार करते हैं। इस दिन को प्यार करने वाले बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। प्रपोज डे हमेशा रोज डे के बाद ही मनाया जाता है। प्रपोज डे कई सालों से विदेशों में मनाया जा रहा है, लेकिन अभी धीरे धीरे सभी देशों में इसे अपना रहे हैं। प्रपोज डे एक ऐसा दिन है जब आप अपने मन की फीलिंग्स किसी स्पेशल इंसान के साथ शेयर करते हैं। यह दिन युवाओं द्वारा ज्यादा उत्साहित पूर्वक मनाया जाता है, लेकिन आजकल सभी उम्र के लोग इसे बड़े ही प्यार से मनाते हैं। प्रपोज डे मनाने के पीछे लोगों का यह कारण होता है कि वो सिर्फ एक ऐसा स्पेशल दिन चाहते हैं जब वो अपने मन की बात अपने प्रेमिका, प्रेमी या दोस्त से अच्छे से बोल सकें। हर कोई अपने प्यार का इजहार अलग अलग तरीके से करता है, जैसे कोई फूल देकर अपने मन की बात करता है या कोई संदेश या कार्ड बनाकर। इस दिन लोग अपने चाहने वालों को कहीं बाहर घुमाने ले जाते हैं, रोमांटिक डिनर कराते हैं, मूवी देखते हैं, उनके साथ अच्छे समय बिताते हैं। यह दिन प्यार करने वालों के लिए बहुत खास होता है। ये थी SM News की रिपोर्ट।